नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, बीमारियों से आप कैसे दूर रहें और क्या कुछ सावधानियां आप बरतें। इसी प्रकार आज भी हम हाजिर हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम को लेकर आप सभी के बीच और आज भी हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और आप तक पहुंचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले कि आज हमारे शो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट जो कि आपको ढेर सारी जानकारियां देने के लिए आए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर ईशान गुप्ता। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर ईशान गुप्ता जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, साथ ही ईशान हार्ट सेंटर से यहाँ पर आए हुए हैं आपको जागरूक करने के लिए किस तरीके की परेशानियाँ हार्ट से संबंधित बढ़ रही हैं, क्या क्या रोग हैं जो बढ़ रहे हैं, क्या कारण है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए डॉक्टर साहब, आपके साथ अपनी चर्चा शुरू करना चाहेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक रेशियो के मुताबिक अगर हम बात करें कि पहले के टाइम पे हार्ट अटैक जब किसी को आता था या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसे एक सीवियर प्रॉब्लम मान लेते थे, क्योंकि 100 में से कुछ ही लोगों को होती थी। लेकिन अब हार्ट की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, इसका क्या बेसिक रीजन आप कह सकते हैं? एक्चुअली पहले के ज़माने में जब हार्ट की प्रॉब्लम होती थी मोस्टली 60 ईयर्स के बाद की एज में देखी जाती थी, पर आजकल ये जो बीमारी है जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं ये कम उम्र के लोगों में भी मिलने लगी है। इसका प्रमुख कारण ये है कि आजकल जो जीवन शैली है हमारी वो बहुत ख़राब हो चुकी है। लोग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, अपने वज़न का ध्यान नहीं रखते, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, जो डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हार्ट की बीमारियाँ आजकल पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं और कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। इवन पहले ये हार्ट अटैक फीमेल्स में कम देखने को पाए जाते थे, पर अब फीमेल पॉपुलेशन में भी काफ़ी देखने को मिलने लगे हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले लो तो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर चिकनाई अगर ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्या ये बातें सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस लेने से हमेशा स्ट्रेस जो लेते हैं हम तो हमारे शरीर में से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, कैटकोलामिन्स वगैरह, जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई रखते हैं, जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इनसे हार्ट की बीमारियां बढ़ती हैं। और मोटापे से और ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाने से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट की नसों में जमा होने लगता है और जब हार्ट की नसें पतली हो जाती हैं तो एंजाइना और हार्ट अटैक की बीमारियां आगे लगती हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिन्हें हम हार्ट की बीमारियों में रख सकते हैं? जी, हार्ट के जो आमतौर पे हम जो डिस्कस करते हैं डे टू डे लाइफ में हार्ट की बीमारियों, हम कहते हैं एंजाइना और हार्ट अटैक को। हालांकि हार्ट में काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें बीमारियां हो सकती है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती है, कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, पर आमतौर पे जो हम बीमारियां जिसमें कहते हैं हार्ट अटैक और एंजाइना, ये प्रमुख हैं बीमारियाँ जो प्रिवेंटेबल भी हैं, मतलब प्रिवेंटेबल इन द सेंस कि हम उसके रिस्क फैक्टर्स को अगर कम कर सकें तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो उस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ईशान गुप्ता जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे हार्ट की परेशानियां बढ़ रही हैं, आखिर क्या कारण है। हमारी लाइफस्टाइल बेसिकली इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम डायबिटीज, हार्ट, थायराइड, मोटापा, इस तरह की तमाम बीमारियों में ग्रस्त होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया स्ट्रेस और कोलेस्ट्रॉल ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि टेंशन हर बीमारी का ही कहीं ना कहीं कारण मान सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हम लोग कहते भी हैं कि चिंता ही चिता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो ना केवल हार्ट डिजीज बल्कि और भी बहुत सारी काफी बीमारियां बढ़ती हैं स्ट्रेस लेने से। हार्ट के अलावा इम्यूनिटी कम होती है, वो उसकी बीमारियां बढ़ती हैं, आदमी की नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, वो भी एक बीमारी में माना जाता है। और हमें स्ट्रेस से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर स्ट्रेस ना की मतलब हटा दिया जाए, क्योंकि ये तो हर इंसान या बच्चों की
की भी बात की तो उनको भी कहीं ना कहीं पढ़ाई का स्ट्रेस, क्लासरूम का स्ट्रेस या अपने खेलकूद में कंपटीशन का स्ट्रेस। तो अगर कहा जाता है कि जिनको हार्ट की बीमारी रहती है उनके लिए ना तो ज़्यादा गम अच्छा होता है ना ज़्यादा खुशी, क्योंकि कई बार ज़्यादा खुश होने पर भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो क्या ये बात भी सही? नहीं, ज़्यादा खुशी मतलब इन द सेंस कि वो तो तब है कि बहुत सडन किसी को अचानक शॉक लग गया, खुशी का भी शॉक लग गया तब उस सेंस में, लेकिन आमतौर पे तो ये कि स्ट्रेस जिसे अपनी हम डे टू डे लाइफ में कहते हैं कि हमें बहुत चिंता रहती है, परेशानी रहती है, वो नहीं लेना। वरी अलग चीज़ है कि थोड़ा बहुत चलो सबको काम का टेंशन रहता है, अपना स्कूल में एक वर्किंग आदमी है, इवन एक गृहस्थ महिला है, सबको थोड़ा बहुत तो रहता है, थोड़ा बहुत टेंशन ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेकर सोचते रहना बहुत देर तक और दिमाग में उसको रखना और सोना नहीं, टाइम पर नहीं सोना और वर्क स्ट्रेस लेना, ये काफी चिंता की चीजें हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अब आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे हार्ट अटैक के बारे में, जो कि एक कॉमन डिजीज हो गई है, क्या कुछ लक्षण होते हैं इसके? ये हार्ट के जो लक्षण होते हैं पेशेंट को क्या होता है कि सीवियर चेस्ट पेन या हैवीनेस होगी यहाँ बीच में, और वो हैवीनेस जो पेन होता है वो गले में जा सकता है, उल्टे हाथ में जा सकता है, पसीना तेज आता है, ये चीज़ अचानक किसी को शुरू हो सकती है। तो हार्ट अटैक में ये चीज़ सीवियर होती है और वही चीज़ आकर एंजाइना में होती है, जब जैसे हम हार्ट अटैक का एक छोटा रूप ही कहते हैं, वो उसमें चलने पे मरीज को पेन हुआ, मरीज बैठ गया तो उसे आराम मिल गया, तो ये टिपिकल एंजाइना का पेन है। और यही अगर पेन रेस्ट पे हो जाए पेशेंट को या सोते वक्त हो जाए, रात को किसी वक्त हो जाए, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो, एंजाइना से भी ज़्यादा उसकी तीव्रता ज़्यादा हो, तो उसे हार्ट अटैक के रूप में देखा जाता है। जी, बेसिकली डॉक्टर साहब हार्ट अटैक में होता क्या है? हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारी हार्ट की नसें होती हैं, हार्ट में प्रमुख तौर से तीन नसें होती हैं, उन नसों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, अगर वो ब्लॉकेजेस आके हार्ट की नस 100% तुरंत ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक करती है, और अगर वही ब्लॉकेजेस 70-80-90% है तो वो एंजाइना कर देती है। तो उस उन ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन तुरंत एकदम वीक हो जाता है और हार्ट रुक भी सकता है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं उसे, तो इसमें इसलिए हार्ट अटैक में कहते हैं कि जान का खतरा रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब पेशेंट को ऐसा क्या कुछ, क्योंकि हम लोग जब आपस में बात करते हैं, हम लोग उठते बैठते हैं, हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं लगता कि कहीं हार्ट अटैक हो सकता है, तो ऐसा क्या पहला सिम्टम दिखे या ऐसा क्या प्रतिक्रिया हो शरीर में कि हम डॉक्टर के पास जाएं? नॉर्मली ये जो बीमारी जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है या एज मोर देन 50-60 ईयर्स है, उनमें अगर किसी को छाती में दर्द या भारीपन हो, पसीने के साथ एकदम से आए और उससे पहले कभी नहीं आया हो ऐसा, और इतना तीव्र हो कि उसे लगे सहन नहीं हो रहा, कई बार क्या होता है कि पेशेंट एसिडिटी की कंप्लेंट भी करता है कि अचानक किसी को एसिडिटी हो गई, तो वो उसे गैस मान के गैस की दवाइयाँ ले लेता है, पर वो जब हमारे पास आता है तो ECG वगैरह करके देखते तो उसमें वो हार्ट अटैक निकलता है। तो हर छोटे से मतलब इस चीज़ को हमें शक की नज़र से देखना चाहिए, अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, मोटे हैं, आपकी एज है इसमें, तो उसको एक तरह से शक की नज़र से देख के तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब कोई पेशेंट आपके पास आया इस तरह के लक्षणों को लेकर के तो किस तरीके से आप डायग्नोस करते हैं? हम सबसे पहले पेशेंट का ECG करते हैं, ECG में अगर क्लियर कट चेंजेस मिल जाए हार्ट अटैक के तो उसे तुरंत बोल देते हैं कि ये अटैक है, फिर हम उसका इको करते हैं जिसमें हार्ट की मायोकार्डियल एक्टिविटी उसकी पावर पता चल जाती है, उसमें भी अटैक का जानकारी होती है, कुछ एक आध ब्लड इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि ट्रोपोनिन टी का इन्वेस्टिगेशन है, इनसे पता लगाते हैं कि अटैक है कि नहीं। जो एंजाइना के पेशेंट आते हैं कई बार जिसको स्ट्रेस इंड्यूस एंजाइना मतलब चलने पे एंजाइना हुआ फिर बैठने पे आराम मिल गया, आमतौर पे उनका ECG इको नॉर्मल आता है, तो ऐसे में उन पेशेंट्स को हम TMT करते हैं जिसपे एक मशीन पे उनको दौड़ने के लिए बोलते हैं, उसमें उनके कंटिन्यूस ECG का मॉनिटरिंग होती है, तो जब पेशेंट को ECG इको नॉर्मल आया, TMT पॉजिटिव आया तो उसे एंजाइना बोलते हैं, तो उसके लिए फिर हम उसको मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और अगर वही चीज़ अगर ECG को पहली विजिट में उसका चेंजेस आ गए तो अटैक के चेंजेस उसे हम कहते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, जो कि आपको दे रहे हैं तमाम जानकारियां आपके हार्ट से जुड़ी हुई, किस तरीके से आप हार्ट अटैक और इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन इन बीमारियों का कारण क्या है, क्या क्या सिम्टम्स आप देखें अपनी दिनचर्या में, आपको अपनी सेहत का ध्यान अपने आप रखना है क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथों में है, इसलिए आपको हर वक्त जागरूक रहना है, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बात ये भी बोली जा रही है कि पहले के टाइम पे इतनी बीमारियां नहीं होती थी लेकिन अभी कॉमन हो गई हैं, तो इसलिए लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, और ऐसा भी बोला जाता है कि काफ़ी टाइम से हेल्दी डाइट भी चलती है, सब काम हेल्दी होते हैं लेकिन फिर भी हार्ट अटैक या हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, तो फिर लोग उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर या फिर हम कह सकते हैं कि अगर उसे हार्ट अटैक हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है हार्ट अटैक, तो इसी वजह से लोग अपना दिनचर्या का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। नहीं देखो, ये तो है कि हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई रिस्क फैक्टर कोई भी नहीं है फिर भी उसे हार्ट अटैक ना हो,
ऐसा नहीं है, पर ये है कि हमें अपनी तरफ से तो फर्ज अपना निभाना चाहिए। जितने भी रिसेप्टर्स हमने बताए हैं उस पर हमें ध्यान रखें। आजकल हमारा खाना खान पान बहुत खराब हो गया है, हम लोग जहाँ भी हैं कुछ भी है बाहर का कुछ भी खाते रहते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, पूरी है, खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल छोड़ देनी, हाँ लेकिन कम इनको, इन सबका सेवन कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अपना बॉडी मास इंडेक्स, अपना वेट मेंटेन करके चलना है। आपकी टमी अगर बाहर आ रही है तो उसका मतलब आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है ज़्यादा निकले, तो आपको अपना वेट मेंटेन करके चलना है, आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग वगैरह से बिल्कुल दूर रहना है आपको। तो जो प्रिवेंटेबल चीजें हैं जो मैं पता है कि ये नुकसान देनी ही देनी है, उससे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे बात की जाए हार्ट अटैक का जो पेशेंट बन चुका है, यानी कि अभी तक तो हमने जाना कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे जिससे कि हम ना बन सके, लेकिन जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनके लिए क्या क्या तकलीफ है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? जिनको हार्ट अटैक पड़ चुका है उनको ये है कि अपनी जो मेडिसिन है रेगुलर लें बिल्कुल, और अगर उनको बीच में कभी भी दिक्कत होती है तुरंत अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें कि हमें इस समय कोई दिक्कत हो रही है। तीसरा, इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर से पूछ कर रखें कि हमें कभी कोई दिक्कत हो जाए आपके आने से, हम आप हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हम कौन सी मेडिसिन खा सकते हैं, ये सारी उनको जानकारी रखनी चाहिए। उनको तो पता है कि उनके सिम्टम्स पहले क्या थे, तो जो सिम्टम्स उनको पहली बार हार्ट अटैक में आए थे आमतौर पर दूसरी बार जब भी हार्ट अटैक पड़ता है तो उसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। होता है क्या है कि हमारे पास कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आया तो उसको एक तरह से डर बैठ जाता है मन में, तो कई बार से एटिपिकल पेन होते रहते हैं जिसको वो अटैक के पेन से कंपेयर करता है। वो बार बार आता है हमारे पास, अब यहाँ पेन हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द होता है, वो आमतौर पर कई बार हार्ट अटैक का नहीं निकलता, लेकिन उनको क्योंकि मन में डर बैठ चुका होता तो इसलिए हम उनको बोलते हैं कि आपको जो पहले दर्द हुआ था अटैक के टाइम पे वो दर्द याद रखिए, अगर ये दर्द और उस दर्द में सिमिलरिटी है तो इसको हार्ट का मानते हैं। और फिर हम उनका ऐसे कोई पेन करके आया तो उनको ECG वगैरह करके इको वगैरह करके देखा तो फिर उनको हम सांत्वना देते हैं कि ये हार्ट का पेन नहीं है, आप चिंता मत करिए, थोड़ा बहुत हमने उनको वॉलिनी या पेन किलर वगैरह दिए माइल्ड डोज, उनको फिर हम दवाई लिख के कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए पॉल्यूशन में रहना, यानी कि क्योंकि अब तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, लेकिन जो हम नॉर्मल लोग हैं जिनको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं है उनके लिए भी क्या कहीं ना कहीं? बिल्कुल, पॉल्यूशन तो मतलब स्मोकिंग जैसे करते हैं तो पॉल्यूशन तो ये होता है कि जब पॉल्यूशन हाई पीक लेवल पे होता है तो कम से कम, अभी एक रिसर्च आई थी कि आप जब अभी सर्दियों में दिल्ली में जब पॉल्यूशन बहुत बड़ा था तो कहा था कि आप एक दिन में 100 सिगरेट के बराबर पी रहे हैं, इतना पॉल्यूशन आपकी सांसों से जा रहा है। तो पॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती जा रही है, और ना सिर्फ हार्ट अटैक में और ये और भी बीमारियाँ कर रहा है शरीर में। डॉक्टर साहब, जब मौसम चेंज होता है तो हर तरह का जो कोई बीमारी है वो कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाती है या बदलते हुए मौसम में अपने सिम्टम्स भी दिखाती है। हार्ट के पेशेंट के लिए जब गर्मियों से सर्दी में आते हैं या सर्दियों से गर्मी में जाते हैं तो क्या दिक्कत है उनके साथ? हार्ट के मरीज जो हार्ट अटैक्स जो मोस्टली होते हैं वो सर्दियों में ज्यादा होते हैं। सर्दियों के एनवायरमेंट में जो शरीर में से जो हार्मोन से केमिकल्स रिलीज होते हैं उनसे हार्ट अटैक सर्दियों में और सुबह के वक्त ज्यादा मिलता है जिस वक्त ज़्यादा ठंड होती है, और गर्मियों में अटैक की जो टेंडेंसी होती है कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेशेंट को किसी को हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू विंटर समर्स में हार्ट अटैक कम देखने को मिलता है। जी, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, जो कि आपको बता रहे हैं किस तरीके से हार्ट की परेशानियों से आप बच सकते हैं, क्या कुछ आपको करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको जीनी है, वो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसी होगी, जब आप अपनी डाइट को सही रखेंगे, आप एक्सरसाइज पे जाएंगे, आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बीमारियों से दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हार्ट के पेशेंट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और वॉक मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं? बिल्कुल, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूजुअली जब फ्रेश अटैक का पेशेंट हमारे पास आता है हम उसे 7 डेज का घर पे होम रेस्ट के लिए बोलते हैं, उसके बाद हम उसको अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन उसके हार्ट का पावर कितनी है, उसका फंक्शन कैसा चल रहा है, उसको हम धीरे धीरे हम कहते हैं कि आप टाइट्रेट करिए, अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करिए, शुरू में वॉकिंग से स्टार्ट बोलते हैं, फिर ब्रिस्क वॉकिंग, फिर जॉगिंग या साइकिलिंग, इस तरह से हम उसको बोलते हैं। और हार्ट के मरीजों में नॉर्मली भी जो हार्ट के लिए एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे हम वेट लिफ्टिंग कहते हैं, तो एरोबिक एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमने कई बार देखा है जब कोई पेशेंट, चाहे फिर वो बच्चा हो या बड़ा, अगर वो हार्ट का पेशेंट है और अगर घर में उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और अभी कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट घर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसको कभी भी ये नहीं लगने देना चाहिए कि आप बहुत बीमार हो, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो बहुत कुछ चेंज कर देती है, हमारी साइकोलॉजी से हमारी बीमारी बन भी सकती है और हमारी बीमारियाँ ठीक भी हो सकती हैं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपनी लाइफ में और घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल पॉजिटिव रखें और तो बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं, ये रिसर्च से प्रूव हो चुका है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आजकल बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है? मैंने मिनिमम एक 21 साल के लड़के की एंजियोप्लास्टी की थी
और बच्चों में भी क्योंकि अब मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो क्या होता है कि जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो बचपन से आना शुरू हो जाते हैं, और जब आदमी 25-30 तक गया और वो मोटा है या स्मोकिंग करता है तो अटैक उनमें हो सकता है। और मिनिमम एक 21 साल के लड़के में हार्ट अटैक का पेशेंट में उन्होंने एंजियोप्लास्टी करी थी हमने, तो ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि जो चीज़ आज से 20 साल पहले 60 साल की उम्र में देखा जाता था वो 21 साल की उम्र में भी लड़कों में देखने में मिल रहा है। जी, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान गुप्ता, जो कि आपको दे रहे हैं तमाम जानकारियां आपकी सेहत से जुड़ी हुई। दर्शकों आपको बता दें डॉक्टर ईशान गुप्ता ये बेस्ट यंग कार्डियोलॉजिस्ट का अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं 2017 में। तो कुल मिलाकर तमाम जानकारियां आज हम इनसे प्राप्त करेंगे, लेकिन यहां हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में, और आपके साथ मैं हूँ डॉली भाटिया। दर्शकों आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ईशान गुप्ता, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नागरिक कॉम्प्लेक्स बाग फरजाना से यहाँ पर आए हैं, ईशान हार्ट सेंटर से डायरेक्टर भी हैं, जो कि आपको बता रहे हैं किस तरीके की तकलीफें आपको ना देखनी पड़े, इसके लिए आप क्या कुछ करें, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और हार्ट की डिजीजेस क्यों बढ़ रही हैं, ये तमाम चर्चाएं हम आज डॉक्टर साहब के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोग हार्ट के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है हमारे इंडिया के लिए कि जो हमारे देश का भविष्य है, जो युवा है, वही आजकल इन तमाम बीमारियों में ग्रस्त हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जब एक पेशेंट आपके पास आता है, कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं? एक्चुअली जब एंजाइना का पेशेंट आता है हमारे पास, जो कि एक माइनर फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक ही समझ लीजिए, तो हम उसको पहले मेडिसिन देते हैं, जो गाइडलाइंस कहते हैं कि पहले एंजाइना के पेशेंट को मेडिसिन दीजिए। अगर मेडिसिन से पेशेंट को पेन ठीक हो जाता है तो कुछ नहीं, इसको मेडिसिन कंटिन्यू रहने देते हैं। अगर उसको मेडिसिन के बावजूद भी एंजाइना कंटिन्यू रहता है तो गाइडलाइंस के हिसाब से उसकी एंजियोग्राफी करके देखते हैं। इसके विपरीत जब हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हार्ट अटैक में तो तुरंत पेशेंट को एंजियोग्राफी करके हम देखते हैं कौन सी नस में ब्लॉक। एंजियोग्राफी एक जांच है जिसमें हाथ से या पैर की नस से दिल तक जाते हैं और डाई डाल के देखते हैं कि कौन सी नस में कितने परसेंट ब्लॉक है। तो जब जो आर्टरी 70% तक ब्लॉक रहती है तो उसको हम मेडिसिन पे छोड़ देते हैं, और 70-100% के बीच में कोई आर्टरी ब्लॉक है तो उसकी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो एंजियोप्लास्टी उस प्रोसीजर को बोलते हैं जो नस ब्लॉक है उसमें स्टैंड डाल के उसको खोलने को, उस प्रक्रिया को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट रहता है। अगर पेशेंट अटैक का पेशेंट है, गरीब पेशेंट है और कहता है कि साहब एंजियोप्लास्टी अफोर्ड नहीं कर सकते, एंजियोग्राफी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इन दैट केस हम उसमें थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। वो थ्रोम्बोलिसिस एक खून पतला करने का और खून का थक्का गलाने का एक इंजेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, तो वो देते हैं जिससे कि वो खून का थक्का गल जाए। ये पुरानी विधि थी जब आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब एंजियोप्लास्टी नहीं हुआ करती तब थ्रोम्बोलिसिस ही हार्ट अटैक में दी जाती थी, पर आजकल चूंकि थ्रोम्बोलिसिस से कई गुना ज्यादा सक्सेस रेट रहती है, थ्रोम्बोलिसिस की सक्सेस रेट है 50-60%, वहीं एंजियोप्लास्टी की सक्सेस रेट है 95-99%, तो इसलिए मॉडर्न जो टेक्निक है वो एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की तरफ कहती है। डॉक्टर साहब, हार्ट का अगर कोई पेशेंट है या उसे एक बार हार्ट अटैक आ गया है तो उसे कंटिन्यू दवाइयां करनी होगी जब तक उसकी लाइफ है? हाँ, ये अभी इम्पोर्टेंट है कि एक बार अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो दवाइयां तो कंटिन्यू चलती हैं उनकी, डिपेंडिंग कि उसका हार्ट का फंक्शन कितना वीक हुआ है अटैक में, कौन सी आर्टरी ब्लॉक थी, क्या था। पर हाँ, यूजली 6 महीने से या 1 साल के बाद दवाइयां कम होना शुरू हो जाती हैं, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है फिर 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद कि 2 या 3 दवाइयों पर पेशेंट मेंटेन करता है। डिपेंड करता है कि उसे कोई और कोमोर्बिडिटीज तो नहीं है, जैसे कि बहुत से हार्ट अटैक के मरीज को डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज का अलग किसी को, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज इस समय बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम आने में या ब्लॉकेज आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब, क्या कभी आपने देखा है प्रेगनेंसी में भी हार्ट अटैक जैसी अगर समस्या है तो कितना डिफिकल्ट रहता है? प्रेगनेंसी में यूजुअली हार्ट अटैक के कॉजेज दूसरे होते हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन वगैरह ये है ये पाए जाते हैं, ब्लॉकेजेस एज सच जो वो नहीं मिलते, वो अभी तक किसी ज्यादातर मरीजों में देखने को नहीं मिले। हालांकि प्रेगनेंसी में हार्ट की दूसरी बीमारियां होती है, जैसे कि हार्ट कमजोर हो जाना जिसे पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। जी,
दर्शकों, आज आपको डॉक्टर ईशान गुप्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट लिया जाता है, एक हार्ट के पेशेंट को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले हमने डिस्कस किया था कि एक आम पेशेंट को या जो पेशेंट नहीं है, एक आम व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि उसे हार्ट डिजीज ना हो। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ कि एक हार्ट का जो पेशेंट है, जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसे क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, उसे अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में जान रहे हैं। डॉक्टर ईशान, यहाँ पे जानना चाहेंगे हम कि आपने बताया कि एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोप्लास्टी की जाती है, क्योंकि हम लोग जब डायबिटीज में एक अलग स्पेशल डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स मना होते हैं, क्या हार्ट के पेशेंट में भी कोई स्पेशल डाइट होती है? हार्ट के पेशेंट में स्पेशल डाइट ये होती है कि आपको तली हुई चीजें नहीं लेनी होती है, जो भी ऑयली फूड होता है उनको अवॉइड करना होता है, सैचुरेटेड फैट भी कम लेना होता है आपको। और तलने से क्या होता है कि नॉर्मली हमने कोई फैट लिया, अगर उसको तल के नहीं लिया हमने, किसी और उससे लिया, तलने से ट्रांस फैट नाम का एक केमिकल बन जाता है जो ज्यादा नुकसान करता है हार्ट पे। तो वही ऑयल अगर आप बिना तले हुए ले रहे हैं और आप उसको तल के ले रहे हैं तो उसमें भी फर्क आ जाता है। तो आपको ऑयली डाइट नहीं लेनी है। और हाँ, शुगर का भी कंजम्पशन कमी रखना, अगर आप मोटे हैं ऑब्वियसली आपको शुगर का कंजम्पशन कमी रखना, अगर आपको डायबिटीज नहीं भी है तो भी, तो आपको ऑयली फूड और लेस शुगर ये करना है। आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, आपको अपनी डाइट में सैलेड वगैरह ज़्यादा लेने हैं, आप जितना हो सके अनप्रोसेस्ड फूड लीजिए, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। जी डॉक्टर साहब, आजकल ब्लड प्रेशर की भी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, और यंग एज में भी ये देखने को मिल रही है, तो क्या कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से आती है? हाँ, ब्लड प्रेशर जैसे कि डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है, तो हाई ब्लड प्रेशर जिनको रहता है वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है जो हार्ट को एंजाइना और हार्ट अटैक में उसका वो बहुत बड़ा रोल होता है। तो ब्लड प्रेशर के भी सेम वही रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक के थे, जैसे कि आपका मोटापा, स्मोकिंग, स्ट्रेस, अच्छी नींद ना लेना, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हाई ब्लड प्रेशर में भी आते हैं, नमक ज़्यादा लेना। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना एक तो सारी डाइट कंट्रोल और अपना नमक कम लेके और मेडिसिंस रेगुलर लीजिए, तो आपको हार्ट की बीमारियों की संभावना कम हो जाएगी। जी, क्योंकि कई बार डॉक्टर साहब देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर को लोग हल्के में लेते हैं, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उसकी तो दवाई ही नहीं है, तो फिर कुछ वो कुछ भी नहीं करते, जब उन्हें लगता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं या कोई सिम्टम है तभी वो डॉक्टर से। ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज आर बोथ कॉल्ड एज अ साइलेंट किलर, क्योंकि शुरू शुरू में कुछ सालों तक हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपका बीपी 170-180 है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग कहते हैं हम दवाई क्यों खाएं, तो उन्हें पता नहीं होता कि अंदर ही अंदर ये चीज आपके बॉडी के ऑर्गन्स को खराब कर रही है, ना सिर्फ हार्ट को, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में किडनी खराब होने लगती है, आंखों के कमजोरी आने लगती है, और न्यूरोपैथी होने लगती है, काफी दिक्कतें होने लगती है, इवन स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, तो अंदर ही अंदर खराबी होती रहती है। तो बेटर ये रहेगा जैसे आपको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो आपको, तो आप उसके लिए अपना डाइट कंट्रोल, आपकी एक्सरसाइजेस और आपकी मेडिसिन, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला के आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया अगर किसी को पहली बार हार्ट अटैक आया है और डॉक्टर के पास आके डॉक्टर से परामर्श लेता है तो सही ट्रीटमेंट वो ले सकता है, लेकिन कई बार हमने ऐसा भी देखा है जिन लोगों की मौत हो जाती है उनके बाद में पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी या हार्ट अटैक आया था, तो क्या एक साथ ऐसे तीनों अटैक आना? नहीं, तीन ये तो क्या पिक्चरों में दिखाते हैं कि तीन अटैक के बाद इंसान की मृत्यु हो सकती है, ऐसा नहीं है, पहले अटैक में भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई आदमी हमने देखा होगा पार्टी में चल रहा है, वीडियोस आजकल वायरल हो रही है, मैं खड़ा हुआ खड़े खड़े गिर गया, वो हार्ट अटैक से बाद में पता चला कि हार्ट अटैक से मृत्यु होती। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल अनस्टेबिलिटी हुई थी जिसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाता था, VF हो जाता है, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो जाना। तो अगर हार्ट अटैक पड़ा किसी को तो कई बार तो मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, घर पर उसे कार्डियक अरेस्ट होता है, पेशेंट कहना एक्सपायर एट एनी टाइम, ये तो बहुत कॉमन चीज है देखने को मिलती है, और ऐसा नहीं है कि ये तीसरे अटैक के बाद ही मिलेगा, ये फर्स्ट अटैक में भी मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्या पानी में जो लोग स्विमिंग करते हैं या फिर जो लोग जिन लोगों का ऐसे नहाते हैं, क्या उनको उस वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है? हाँ, मतलब अगर रिस्क फैक्टर है तो हो सकता है, स्विमिंग से उसका कुछ वो नहीं है, हालांकि स्विमिंग एक अच्छा एक एक्सरसाइज में माना जाता है, पर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब नॉट ओनली स्विमिंग, आप रनिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हार्ट अटैक कैन अकर टू एनी बडी एट एनी टाइम। अगर आपके ऊपर कोई रिस्क फैक्टर है तो आप उन रिस्क फैक्टर से दूर रहिए, डिस्पाइट ऑल द रिमूविंग द रिस्क फैक्टर, और आपको ऐसा नहीं कि किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, हो तो किसी को भी सकता है। बिल्कुल, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ईशान गुप्ता, जो कि आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको अपनी सेहत के प्रति कितना जागरूक होना है। एक डॉक्टर आपकी मदद तभी कर सकता है जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, लेकिन आपको अपनी बीमारी का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आपको चल के डॉक्टर के पास जाना होगा, उनसे परामर्श लेना होगा, उनसे सही तरीके से ट्रीटमेंट लेना होगा। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि लोग सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते हैं, इसी वजह से बहुत देरी हो जाती है, तो क्या देखते हैं आप आगरा में, कितनी जागरूकता है?
ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे साथ. एक्चुअली जब हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से उनकी पेन के 12 घंटे के अंदर ही अंदर आर्टरी खुल जानी चाहिए जी. पर हम जब मरीज को बोलते हैं कि हाँ साहब आपको हार्ट अटैक पड़ा है तो वो कहते हैं आमतौर पे तो जो कई बार पेशेंट विश्वास ही नहीं करते कि उनको अटैक पड़ा. उन्हें लगता है अटैक ऐसी बहुत बड़ी चीज होती है कि आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाता है या ऐसा हो जाता है. ऐसा नहीं है. कई बार माइल्ड पेन ही होता है. डायबिटीज के मरीजों को तो पेन भी नहीं होता, उनको बस छोटी थोड़ी सी घबराहट सी या पसीना आ सकता है. तो वो पेशेंट पहले तो माने कि उनको अटैक है, डॉक्टर पर ट्रस्ट करे अपने, और डॉक्टर जैसे कि जो ट्रीटमेंट बता रहा है वो लेना बहुत जरूरी है उस वक्त. टाइमली ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि कहीं पे किसी बिल्डिंग में आग लगी आपने टाइम पे पानी डाल के उसे बुझा दिया तो बिल्डिंग बच जाती है. अगर वही आप आग पूरे अगर बिल्डिंग खाक होने के बाद बुझाए तो उसका फायदा नहीं बचता. वैसे हार्ट की मांसपेशियों को बचाना है अगर हमें, तो जो आर्टरी है उसको जल्द से जल्द खोलना जरूरी है. उसमें जैसे जैसे हम टाइम बीतता जाएगा तो वो उसका नुकसान बढ़ता जाएगा. मरीज कई बार एंजियोग्राफी भी करा लेते हैं फिर वो क्या करते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता या फिर वो दो तीन जगह राय लेना चाहते हैं, इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं या दिल्ली जाने के कहते हैं दिल्ली जाके हम कराएंगे या कहीं और जाके कराएंगे, तो फिर कराने का फायदा नहीं बचेगा. जो मांसपेशियों का जो आपकी पावर लौटनी होगी तो वो तुरंत आपके करने में उसका बेनिफिट है. आपके यहाँ घर में आग लगे तो फायर ब्रिगेड दिल्ली से नहीं बुलाएंगे, आप यहीं से फायर ब्रिगेड बुला के उसे बुझाएंगे. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन एक होगा कि अरे ये तो एंजियोप्लास्टी होनी बहुत बड़ी चीज है. आगरा में कॉमनली इस समय काफी सेंटर्स हैं और काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, तो आप एंजियोप्लास्टी तुरंत जल्द से जल्द कराइए अगर डॉक्टर पे आपको ट्रस्ट है तो, और करना भी चाहिए डॉक्टर पे उस वक्त. डॉक्टर साहब एक हार्ट सेंटर में किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए और आपके सेंटर में क्या क्या सुविधाएं हैं? हार्ट सेंटर में आपकी सुविधाएं ये नॉर्मली जो हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ईसीजी इको टीएमटी ये सब तो ओपीडी की सुविधाएं हैं, और जो अपनी आईपीडी की सुविधाएं में आपके कैथ लैब होती है जिसमें हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है कि वो तो केयर होनी ही चाहिए जी. डॉक्टर साहब पेसमेकर के बारे में भी यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उसके बारे में बताइए क्या है पेसमेकर? एक मशीन होती है जो हम यहाँ कंधे के नीचे लगा के उसके हार्ट में उसके वायर डालते हैं. ये उन मरीजों में लगाई जाती है जिनको हार्ट की जिनकी हार्ट रेट बहुत कम हो जाए. नॉर्मली इंसान की 70 से 80 के बीच में हार्ट रेट रहती है, जिनके 40 से कम होने लग जाते हैं उनको चक्कर आने लग जाते हैं जो कई बार गिरते भी सिंकोप कहते हैं इसे, और 30 से कम में जान का खतरा बिल्कुल बन जाता है. तो जिन मरीजों की हार्ट रेट कम हो जाए और चक्कर आके गिरे या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जो मिले जिसकी वजह से ये नॉर्मल हार्ट रेट नहीं आ पाए अचीव नहीं हो पाए, तो उसमें हम पेसमेकर डालते हैं जी. डॉक्टर साहब एक हार्ट के पेशेंट को क्या कुछ सावधानियां बरतनी है घर से बाहर निकलते समय, ट्रैवलिंग के टाइम पर, और अगर शादियों में भी जा रहे हैं क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है, तो क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है अगर हम बात करें तो क्या कुछ उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं भी है उसको अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले तो उसको शादियों का सीजन चल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको हार्ट की परेशानी वहां पे सैलेड वगैरह भी फ्रूट्स वगैरह सब मिलते हैं, आप कोशिश करिए कि आप ऑयली डाइट और इन सब चीजों से दूर रहिए. महीने में एक आध दिन की बात चलो चल जाती है, और आपने किसी दिन ज्यादा खा लिया तो आप नेक्स्ट डे फास्ट रख सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं. और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो अपनी मेडिसिन साथ बिल्कुल ले आइए, और अपने घर वालों के कांटेक्ट में रहिए, बिल्कुल डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए कि आपको जरा सी भी कुछ भी परेशानी हो तो आप उनसे कांटेक्ट करिए. और बस यही सारी जो बातें हैं हाँ. और दूसरा पार्टीज में जा रहे हैं स्मोकिंग से दूर रहिए बिल्कुल, और अपनी जो जीवन शैली है बिल्कुल आप काम पर बिल्कुल अपनी जीवन शैली रखिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखिए, और नींद वगैरह अच्छी लीजिए. डॉक्टर साहब कई बार हार्ट के पेशेंट्स जो है वो अपनी दवाइयाँ भी स्किप कर देते हैं, जैसे कि आपने बताया धीरे धीरे अगर उनका सब कुछ ठीक है तो दवाइयाँ कम हो जाती हैं, तो वो कई बार दवाइयाँ स्किप कर लेते हैं या लेना भूल जाते हैं, या फिर अगर हम कहें पार्टीज वगैरह में अगर घर में शादी है तो भी वो दवाइयाँ स्किप हो जाती हैं, तो दवाइयों का क्या महत्व है इसके बारे में? दवाइयों को बहुत महत्व है. अगर किसी को अटैक पड़ चुका है स्टैंड डले हुए हैं तो उसमें खून पतला करने की जो दवाई है वो टाइम टू टाइम लेनी होती है, अगर उसे हम नहीं लेते हैं तो स्टैंड बंद होने के चांसेस भी रहते हैं. तो दवाइयाँ तो बिल्कुल हमें टाइम पे लेनी चाहिए, नहीं तो वो स्टैंड भी बंद होते हैं, और किसी के स्टैंड नहीं भी डले हैं अगर तो भी दवाइयाँ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो दोबारा अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. कोशिश करिए कि ना भूलें, अपना रेगुलर एक टाइम बना लीजिए, दवाइयाँ अपने साथ में रखिए, ट्रेवल बैग में रखिए, और अगर आप ऑफिस गएंगे तो अपने आप पर्स में रखिए, लेकिन दवाइयाँ बिल्कुल टाइम टू टाइम लीजिए. तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ईशान गुप्ता जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं आपके हार्ट के बारे में. दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है क्योंकि एक स्वस्थ दिल ही एक स्वस्थ दिमाग ही आपकी शरीर स्वस्थ शरीर की पहचान होता है. तो दिल की बीमारियों से आप दूर रहिए, हार्ट अटैक की बीमारी आपको ना हो, हार्ट अटैक आपको ना हो, कार्डियक अरेस्ट ना हो, इसके लिए आपको क्या कुछ करना है इसकी तमाम जानकारी आपको डॉक्टर ईशान गुप्ता ने दी. इसके साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर ईशान गुप्ता ईशान सेंटर से यहाँ पर आए हैं नगारत कॉम्प्लेक्स बाग फरजाना से आपको ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए. डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि इस शो के माध्यम से आप दर्शकों तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा
कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप अपने शरीर का जितना ध्यान रखेंगे आगे जाके वही आपका ध्यान रखने वाला है। तो ये चीज़ हमें शुरू से कर देनी चाहिए, जब हम यंग हैं तभी से। ये नहीं कि आप 50 क्रॉस कर रहे हैं तभी ये सब चीज़ों पर ध्यान दें, आप अपने 20 से ये चीज़ें, बल्कि बचपन से बच्चों को ये हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो उनकी जो डाइट है वो जंक फूड से दूर रहें, एक्सरसाइज नियमित करिए। आजकल मोबाइल में और टीवी में बच्चे लगे रहते हैं, इसकी जगह उनको आप कहीं आउटडोर गेम्स खेलें। और ये इवन हम जब बड़े हो जाते हैं, ऑफिस गोइंग हो जाते हैं, तो हम एक्सरसाइज से दूर होने लग जाते हैं, तो वो ऑफिस टाइम निकाल के आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बिल्कुल भी जो ऐब होते हैं जैसे कि बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू, इन सब से दूर रहना चाहिए। डाइट अच्छी लें, अपनी हेल्दी डाइट्स में आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें लीजिए, नींद अच्छी लीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए, और भगवान करे आप हमेशा स्वस्थ बने रहें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।